जब भी आप अपने लिए स्पेक्स बनवाने जाएं तो फ्रेम चूज करते वक्त इन बातों का खास ख्याल रखें। फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू फॉलो इज कॉल्ड द इनवर्स रूल, मींस हमें अपने फेस कट के अपोजिट शेप को चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फेस कट राउंड है देन ऑलवेज गो फॉर अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप, और अगर आपका फेस कट स्क्वायर और वर्टिकल है देन ऑलवेज गो फॉर अ राउंड और कैट आई शेप। सेकेंडली, अगर आपकी यूसेज रफ एंड टफ है देन मेटल फ्रेम्स एंड रिमेनर फ्रेम्स को अवॉइड करें एंड ऑलवेज यूज शीट और प्लास्टिक फ्रेम जो कि मोर ड्यूरेबल रहेंगे एज कंपेयर टू मेटल एंड रिमलेस फ्रेम। थर्डली, ऑलवेज यूज अ परफेक्ट साइज ऑफ फ्रेम एज पर योर फेस, जो कि आपके फेस पे बिल्कुल परफेक्टली फिट हो, ना ही ज्यादा लूज हो और ना ही ज्यादा टाइट। फोर्थ, आपके लेंसेज का साइज बहुत शॉर्ट भी ना हो, बहुत ब्रॉड भी ना हो, इट मस्ट बी एप्रोप्रिएट एज पर योर आईज ताकि आपको देखने के लिए एक परफेक्ट विंडो मिल सके। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रेम चूज करते वक्त उनके टेम्पल लेंथ का भी खास ख्याल रखें ताकि वो आपके एयर एंड में प्रॉपरली लॉक हो जाए, अदरवाइज आपको फ्रेम एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वीडियो पसंद आए तो इसे और भी दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।